नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। साथियों, अभी हमने एक वीडियो में आपको बाल को शाइनी करने का एक नुस्खा बताया था। अब हम आपको बताएंगे बालों को रीग्रो कैसे करें। ₹2-3 के सामान से आप बालों को रीग्रो करना कैसा शुरू कर दें, जहाँ पे रूट्स हैं वहाँ आपके बाल आ जाएं। देखिए, जहाँ रूट्स नहीं है, बालों में जड़ें नहीं हैं, वहाँ आपके बाल कोई नहीं निकाल सकता। इस धरती पे तो नहीं निकाल सकता, ऊपर वाला चाहे तो निकल जाए, इस धरती पे कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन जहाँ पे आपके रूट्स हैं, जड़ें हैं बालों के भी अंदर हैं और बाल झड़ गया है, वहाँ पर बाल वापस रीग्रो करते हैं। लेकिन ये रोएं बन के झड़े ना पूरी तरह रीग्रो कर जाएं, इसके लिए बहुत कारगर बहुत फार्मूला है, दवाएं हैं जो हमने एक वीडियो में डाल रखी हैं। लेकिन ₹1-2 का फार्मूला भी है जो आपको आश्चर्यजनक रूप से एक महीने में आपके बालों की क्वांटिटी में, बालों के घनत्व में फर्क ला देगा। यह जादुई फार्मूला है और वास्तव में यह जादुई और ₹2 का है। आप सोच रहे होंगे वो क्या है, तो मैं आपको वो बताता हूँ क्या है। उससे पहले साथियों, मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। एक बात ये बता देना चाहूँगा, अवेयर कर देना चाहूँगा कि जो अपने बाल होते हैं, ये बाल हैं, ये डेड होते हैं, मुर्दा होते हैं, केराटिन प्रोटीन होता है। तो आप जो महंगे तेल और शैम्पू इस्तेमाल करते हैं अपने को कंपेयर करने के लिए, उनके मुकाबले में खड़े होने के लिए उनके साथ, वह कम से कम तेल और शैम्पू से तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये मुर्दा चीज़ है। मुर्दा चीज़ पे आप क्या लगाएंगे और क्या फ़ायदा देगा? मुर्दा आदमी पे आप कितना लेप लगा दो, कौनो लेप लगा दो, जिंदा नहीं हो जाएगा। इजिप्शियंस ने मम्मी पे इतने लेप लगाए, उन्होंने ये माना कि आज से 1000 साल, 2000, 5000, 10000 साल बाद वो पूर्वज जिंदा हो जाएंगे। ये ज़रूर हुआ कि उनकी लाश सड़ी नहीं, उनकी डेड बॉडी डीके नहीं हुई, लेकिन ये नहीं हुआ कि वो जिंदा हो गए हों। तो आप सोचिए कि यह जो एडवर्टीजमेंट में जी और यह सब तमाम, ये जो महिलाएं अपने बालों को चारों तरफ से चमक आती है, यह तेल और शैम्पू लगाने से कैसे आ जाएगी? इस बात पे ज़रूर विचार करिएगा। महंगा शैम्पू खरीदने से पहले एक बार सोचिएगा, और अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो बजाए, हालांकि मेहनताने का सबको हक है, लेकिन 2-5 करोड़ की जिनकी मेहनताना दिया जाता है एडवर्टीजमेंट का तमाम, उसमें कंट्रीब्यूशन ना देके किसी गरीब व्यक्ति को, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिएगा उस पैसे से, तो वो आपको बहुत दुआएं देगा। उसकी दुआओं से आपके बाल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपके बाल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से, इन सब चीज़ों से अच्छे नहीं होंगे जो कि सिंथेटिक हैं, ये मैं कह सकता हूँ। और आपने देखा होगा, अगर आपके बाल वो सब लगाने से अच्छे हो गए होते तो आप हमें क्यों सुन रहे होते? आप वो लगा रहे होते, कहते अरे यार क्या वीडियो बना रहा है, चला रहा है, दिखा रहा है, हमारे बाल तो वैसे ही बहुत अच्छे हो गए। लेकिन आपको ज़रूरत है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। और कुछ लोग हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके बाल पहले से बहुत अच्छे होंगे, वो भी यह वीडियो देख रहे होंगे। बहरहाल बताते हैं साथियों, आपको जिस पल का इंतज़ार था वो नुस्खा, हालांकि बहुत साथी हमारे आगे का टाइम डाल देंगे कि आप यहाँ से वीडियो देखें, बाकी सब बकवास है। वास्तव में वो बकवास है, लेकिन थोड़ी देर आपसे बात कर लेंगे तो मन हल्का हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, और मैं अपने विचार आपके सामने रखने के लिए ही इस कैमरे के सामने बैठा हूँ। तो अपना विचार तो मैं रखना ही चाहूँगा, और मेरे इतने अच्छे साथी जो हमारे इस विचारों को सुन लेते हैं, आप सबका इसके लिए धन्यवाद। बताते हैं साथियों जादुई नुस्खा जो आपके बालों को रीग्रो कर देगा और बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। आपको कुछ बहुत नहीं करना है, आपको ₹2-5 की धनिया लानी है। हम छोटे शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ तो बड़े दिल वाले लोग हैं, जब सब्ज़ी खरीदो तो सब्ज़ी वाला खुद है धनिया और अदरक और हरी मिर्च रख देता है। लेकिन बहरहाल अगर आप बड़े शहर में होंगे तो शायद वो ना रख के आपको ₹2-5 की धनिया खरीदनी पड़े।
आप उस धनिया को ले लीजिए, हरी धनिया, ग्रीन कोरिएंडर, धनिया इस कोरिएंडर, कोरिएंडर लीफ जो होती है, हरी धनिया की पत्ती जो होती है वो आप एक ले लीजिए, थोड़ी सी गुच्छावर इतनी सी थोड़ी लीजिएगा, आपके शहर में हो सकता है महंगी हो, जब सीजन हो तो सस्ती होगी, उस समय ज़्यादा ले लीजिएगा। उसको आप रात में पानी में बॉयल कर लीजिए, उबाल लीजिए, उबाल के आप यूं ही रख दीजिए, और सुबह उस पानी से आप सर को धो लीजिए, बालों को वॉश कर लीजिए। ऐसा आप एक महीने तक करिए और फिर हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइए कि आपके बाल का घनत्व बढ़ा, डेंसिटी बढ़ी, बाल अच्छे हुए कि नहीं। यह बहुत कारगर फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है। हरी धनिया की पत्तियाँ उबाल के रात में आप पानी में रख दें और सुबह इससे आप बालों को धो लें। ऐसा आप 15 दिन से एक महीना तक करें और अपने बालों को आप घना पाएं। और डॉक्टर साहब को कमेंट पोर्शन में लिख के अपनी भावना जरूर व्यक्त करें। ये साथियों एक छोटा सा प्रयास था, संडे था तो ये वीडियो बना दिया था, एक छोटा सा वीडियो है लेकिन कारगर है, आप इसको करिएगा। और अगर आपको यह प्रयास हमारा ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही, शेयर भी कर दीजिएगा, इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये बातें अन्य लोग तक पहुँच पाएँ, और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा के सबसे पहले हमारे सबसे नए वीडियो पाते रहिएगा। आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और तमाम पिछले वीडियोस में अपना प्यार जाहिर करने के लिए। बहुत फ़ोन आते हैं हमारे पास, बहुत व्हाट्सएप आते हैं और बहुत कमेंट्स आप देखते हैं कि लिखे रहते हैं, जो लोग हमारा हौसला बढ़ाते हैं। आप सबको तहे दिल से आशीर्वाद, तहे दिल से नमन, सर झुका के आशीर्वाद। धन्यवाद।